शिजा प्लीज प्लीज मेरे सामने ऐसे नहीं रहो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने अपने आप को कितनी मुश्किल से संभाला है। मैं ऐसे रोता देख के अगर मैं एक बार फिर बिखर गई ना तो तुमसे संभाल ही नहीं जाऊंगी। आपने मुझे बताया भी नहीं। वक्ती तौर के लिए ही सही, लेकिन मैं नहीं चाह रही थी कि मैं तुम्हें ये टेंशन दूं। या मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां एक बार फिर फीकी पड़ जाए। शिजा प्लीज मुझे मुझे ये तर्ज भरी नजरों से नहीं देखो। मैं ठीक हूं, कुछ हद तक ठीक वैसे ही हूं और कुछ हो जाऊंगी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई यहाँ पर। हिना भी आ रही है, मेरा ख्याल है 5-10 मिनट में पहुंच जाएगी। एक सेकेंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आंटी मैं उसी का वेट कर रही थी हिना का, मेरा ख्याल है रस्ते में होगी, शायद 10-15 मिनट में पहुंच जाए। अच्छा फिर शायद बिजी होगी वो कहीं पर। नहीं नहीं आप परेशान नहीं हो, ऑफिस में होगी, किसी काम वगैरह में मसरूफ होगी ना। फ्री होके आपको कर लेगी कॉल बैक। जी आप परेशान नहीं हो, अल्लाह हाफिज। है ना कॉल रिसीव नहीं कर रही उनकी, मैं ही ट्राई करती हूँ दोबारा। हेलो, कैसी हैं आप डॉक्टर परीशा? कौन? इतनी जल्दी मलक जहांगीर को भूल गई? किस काम से कॉल किया आपने? सोचा परेशान हो रही होंगी आप अपनी दोस्त के लिए। अब ये मत पूछिएगा कि कौन सी दोस्त। आपने जिस भी मकसद से कॉल किया है आप काइंडली मुझे वो सीधे तरीके से बता दें। बस इतना कहना था कि उसका इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि आपके घर आते हुए आपकी दोस्त का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। क्या? ये क्या बकवास क्या कर रहे हैं आप? मलक जहांगीर न बकवास करता है और न किसी की बकवास सुनता है। अगर नहीं यकीन तो जाके हॉस्पिटल के सर्दखाने में देख लो।